घर पर टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का किया सुपड़ा साफ, तो बोल पड़े कप्तान। 3-0 से क्लीन स्वीप होने पर टीम इंडिया के कप्तान का इन खिलाड़ियों पर फूटा गुस्सा। वानखेड़े टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर रोहित शर्मा ने खुद ली जिम्मेदारी। भारत टीम को न्यूजीलैंड के हाथों पहली बार घर पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों पर भी काफी सवाल उठने लगे हैं। इस हार से टीम इंडिया को WTC पॉइंट्स टेबल में भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी ने काफी निराश किया। न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों का भारतीय बल्लेबाज सामना ही नहीं कर पाए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा पूरी सीरीज में फ्लॉप साबित हुई। वहीं इस हार के बाद अब रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रोहित ने बताया कि आखिर क्यों टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद बोलते हुए रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं सीरीज हारना, टेस्ट हारना कभी आसान नहीं होता। ये कुछ ऐसा है जो आसानी से पचने वाला नहीं है। फिर से हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेल पाए, हम जानते हैं, हमें इसे स्वीकार करना होगा। न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं और हमें इसे स्वीकार करना होगा। हमने बेंगलोर और पुणे में भी पर्याप्त रन नहीं बनाए और हम खेल में बहुत पीछे थे। यहाँ हमें 30 रन की बढ़त मिली, हमें लगा कि हम आगे हैं, लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता था, बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना था जो हम नहीं कर पाए। जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ खास विचार, कुछ योजनाएं होती हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं हो पाया और ये मेरे लिए निराशाजनक है। इन सतहों पर पंत, जायसवाल और गिल ने सिखाया कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। आपको थोड़ा आगे रहना होगा और जब हम ऐसी पिचों पर खेलते हैं तो सक्रिय होना होगा। हम पिछले 3 से 4 सालों में ऐसी पिचों पर खेल रहे हैं, हम जानते हैं कि कैसे खेलना है, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं हो पाई और इससे दुख होगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी को आमतौर पर सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है, लेकिन मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में 147 रन चेज कर रही भारतीय टीम के लिए यही सबसे कमजोर कड़ी साबित हो गई। ऋषभ पंत के 64 रनों की पारी को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा नहीं हो सका। आपको बता दें कि 11 में से सिर्फ 3 ही बल्लेबाज दाही का आंकड़ा छू पाए, यानी 8 बल्लेबाजों ने 10 से भी कम रन बनाए। पूरी टीम एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स की फिरकी के सामने धाराशायी हो गई। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट को जीतकर इतिहास रच दिया है। वानखेड़े में उसने दूसरा सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 46 साल पहले 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 137 रन बचाए थे। इसके साथ ही 3-0 से सीरीज उसके नाम हो गई है। इतना ही नहीं, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 92 साल के इतिहास में घर पर यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। 3 या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप करने वाला न्यूजीलैंड पहली टीम बन गया है। मुंबई टेस्ट में एजाज पटेल न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। मुंबई में ही जन्मे एजाज पटेल ने पूरे मुकाबले में उन्हें 11 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार किया। उन्होंने पहली पारी में 103 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, वहीं दूसरी पारी में 57 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं विलियंग बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की जीत की नींव रखी। उन्होंने मुश्किल विकेट पर 71 और 51 रनों की अहम पारी खेली। तो आप भी कप्तान रोहित शर्मा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।